हेलो बच्चों, वेलकम टू बालाजी विद्यापीठ। आज हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का इंट्रोडक्शन आप सबको दे दिया था, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि DOU होता क्या है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हमारे पास एल्केन्स है, और एल्काइन्स है, ठीक है। एल्काइन में मेरा ट्रिपल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड। हम बोलते हैं कि जो मेरा एल्केन्स है, ये मेरा सैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। उसी तरफ एल्केन्स मेरा कैसा है? अनसैचुरेटेड है। और एल्काइन भी मेरा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए मैंने बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में जाने जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम बाहर से और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम बाहर से सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उनके जनरल फॉर्मूले की, तो वो होता है CnH2n+2। इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2, ठीक है। तो बात ये है, ये इसमें है CnH2n+2, जो कि एक होमोलोगस सीरीज को एल्केन फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, और मैंने बोल दिया लेट n इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1। तो अब मैं n की जगह देखूंगा 1 रखूंगा, H2 1+2। अब कर दीजिए तो सी का सी आ जाएगा एच से मल्टीप्लाई होने पर, फिर H2 1+2, तो CH4 आ जाएगा। और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी 4 ही बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। क्या मैं इसमें और हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो जैसे जैसे हम एन का नंबर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ते रहते हैं। बेसिकली दो दो करके हाइड्रोजन जो है बढ़ते रहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एल्केन्स में H2n+2 जो है, ये मेरा H2n+2 है, ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो मैं एल्केन्स में ऐड कर सकता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू एल्केन्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं जो मैं एल्केन्स में ऐड कर सकता हूँ। कैसे ज्यादा ऐड कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? अगर मैं एन की वैल्यू डाउन टू रख दूँ, तो तब क्या आएगा? तब आएगा मेरा C2H, यहाँ पे टू होता है, टू टू जा एन की वैल्यू टू रखें, टू टू जा 4+2, तो आएगा 4+2, तो आ जाएगा मेरा C2H6, है ना। बेसिकली ये मैंने ये करा है ना, C2H2 और एन की जगह पे 2+2, ये टू टू जा ये 4 आ गया नीचे, है ना, ये 4 आ गया, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। और मैंने ये बताया था कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे फॉर्म होती है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फॉर्म होती है लॉस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन्स क्रिएट्स 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब मान लीजिए उसमें मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है H2n+2, इसमें कितने हैं?
इसमें है H2N, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे टू है, जो प्लस टू है, वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, इसलिए मेरा क्या है अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन और ऐड हो सकते हैं बेसिकली, तभी तो इसमें डबल बॉन्ड आता है। अब मान लीजिए मेरे पास C2H6 है, अगर मैं इसे खोल के बनाऊं तो यार कुछ ऐसा बनेगा C2H6, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये है मेरा C2H6 का स्ट्रक्चर। अब मैं बनाता हूँ C2H4 का स्ट्रक्चर, C2H4 का स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि तो इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, आगे क्यों नहीं आ गया, है ना। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कम है बेसिकली, अगर दो कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, छह हाइड्रोजन होने चाहिए, है कितने यहाँ पे, चार, तो कितने हाइड्रोजन कमी आ गई, दो। और हमें पता है कि दो हाइड्रोजन जब कम होंगे तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी, और मैंने इसका आसान तरीका बताया था कि जितने डबल बॉन्ड होंगे किसी भी कंपाउंड में, ये भी 1 DU के बराबर होगा, 1 डिग्री के ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें हम चार हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर मैं ΔNH की बात करूं, ΔNH की बात करूं तो कितने हैं, टू है। इसमें अगर मैं ΔNH की बात करूं तो कितने हैं, फोर है, ठीक है। आगे समझ में, तो आज तो हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। अगर आपको थोड़ा और समझना है तो आप इससे पिछला लेक्चर प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस की DOU फाइंड आउट करिए, उसके बाद मैं आपको उनके सॉल्यूशंस बताता हूँ। इनकी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है। प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी बताने हैं, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं इसमें, ठीक है बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, DOU फाइंड आउट करना है, इसमें से आपको एक और पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। DOU फाइंड आउट करने हैं और पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं, ये क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप सीरियल नंबर डाल के क्वेश्चंस करना, बहुत ही इजी हैं क्वेश्चंस, कुछ हार्ड नहीं है।
पहले इनके आप आंसर्स लिख लीजिए, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है कितनी है, और प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बताने हैं कितने हैं, ठीक है। पहले वाले का देखिए आप क्या होगा, पहले वाले का रिंग है, क्या है, रिंग है, और मैंने बताया था कि कोई भी रिंग 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के इक्वल होती है। क्यों होती है इक्वल, अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सब में CH2 आएगा, CH2 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 और CH2 आएगा। अब 6 कार्बन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें होने चाहिए, तो हमें फॉर्मूला पता है C6 और H कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए। अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14। कितने हैं इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो कितने हाइड्रोजन की कमी आ गई, 2 हाइड्रोजन की। तो डेल्टा NH की जो इसमें वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और DOU क्या होता है मेरा, डेल्टा एन एच डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे DOU कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो कुछ है नहीं, तो वो आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह से इस पे आ जाइए, DOU की मैं बात करूँ, उसमें अगर मैं इसमें DOU की बात करूँ तो कितना आएगा, 3, 2 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, 3। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 इसमें आ जाइए, इसमें क्या होगा DOU, तो 1 रिंग 2, और ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड ये हो गए, एक ये हो गया 3 और 1 रिंग, तो DOU हो जाएगा इसका 4, और डबल बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 3। इस पे 1 डबल बॉन्ड ये रहा, 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। डबल बॉन्ड जरूरी नहीं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ही हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, किसी के बीच में भी हो सकता है, हमें सिर्फ देखना है कि कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं प्लस कितने रिंग हैं, ठीक है। तो 1 डबल बॉन्ड ये, 2 डबल बॉन्ड ये, 1 डबल बॉन्ड ये, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई इसकी 4, कितनी हो गई, 4, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में कितने हो गए इसमें, 4 हो गए कि नहीं हो गए, है ना, 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड कैरी आउट करता है, तो 2 3 और 4। फिर इस पे आ जाइए, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 2 जा 6, क्योंकि 1 ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड है, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 में 2 है, तो 3 2 जा 6, और ये 7 और ये 8, तो ये हो जाएगा 8, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आइए, DOU कितनी होगी, 3, साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी 3 होंगे। डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगी DOU, इसमें होगी DOU 2, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएगा 0, क्योंकि 2 रिंग है और 1 रिंग 1 DOU की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से एक ये 2 DOU हो गई इसकी, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0 हो जाएगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है, 1 2 3, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4, 1 2 3 और ये रिंग 4 हो जाएगा। बेसिकली ये फिनाइल है, पीएच का मतलब भी यहाँ पे फिनाइल है, इसे हम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, जब ये सब्सटेंट बनता है तो इसे फिनाइल लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बेंजीन ये और एक बेंजीन ये, हमें पता है कि एक बेंजीन का क्या है, 4 है, दूसरे का भी कितना होगा, 4, तो 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो इसकी DOU कितनी हुई, 8, क्योंकि एक रिंग का 4 है यहाँ पे, रिंग का है ना, ये रिंग और ये 3 डबल बॉन्ड, तो कितने हो गए टोटल DOU 4, तो एक का 4 है तो दूसरे का भी 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ तो वो आएगा 6, क्योंकि हम डबल बॉन्ड में रिंग को काउंट नहीं करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कितने पीएच है, पीएच का मतलब फिनाइल, यानी कि यही रिंग है सेम, तो 1 2 और 3, 3 4 जा 12, DOU कितना आ जाएगा, 12। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करूँ तो 3 3 जा 9, एक बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, DOU की बात करो तो उसकी 4 होती है, तो अगर DOU निकलेगा तो 4 आएगा, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड निकलेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ये देखो 1 2 3 4 5 पांच फिनाइल लगे हैं, तो 5 4 20 और एक डबल बॉन्ड है, तो कितना आ जाएगा उसका डीओयू? उसका डीओयू है 21 आ गया कि 21। उसके बाद कितने फिर से फिनाइल लगे हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड निकालूंगा तो 1 2 3 4 5 5 3 15 प्लस 16 16 इसमें आके आ गए डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है आ गया समझ में। नेक्स्ट का देखें, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये और एक रिंग, तो डीओयू कितना आ जाएगा? 3। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना आएगा? 2। इस पे आ जाइए, इस पे कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डीओयू कितना है इसका? 10। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 8। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में अगर आप रिंग को प्लस कर देंगे तो आपकी डीओयू आ जाएगी, और उसमें से अगर हम रिंग को माइनस कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड है तो 7 8 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ गए 8, यानी कि 5 बॉन्ड 8 आ गए। 10 कैसे हुआ ये? 8 तो डबल बॉन्ड मान लीजिए और 2 रिंग मान लीजिए, तो ये आगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विच इज 10। आ गया समझ में? आ गया समझ में? और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन का मैं लेवल थोड़ा बढ़ा दूंगा। ठीक है मान लीजिए मेरे पास है ये है मेरे पास, तो हमें पता है कि इसका डीओयू कितना होता है, बेसिकली 1 होता है क्योंकि ये एक रिंग है। लेकिन अब मैं आपसे इसका पूछता हूं कि इसका बताइए क्या होगा। इसे थोड़ा बीच में करके मैं बनाता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास ये है, इसका डीओयू बताइए क्या होगा, कितने रिंग है इसमें? 2 रिंग है 3 रिंग है 4 रिंग है कितना इसका डीओयू आएगा? 1 2 3 4 कितना डीओयू आएगा? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बॉन्ड तोड़ने होंगे और इसे ओपन चेन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइक्लिक है, अभी ओपन चेन करेंगे तो मान लीजिए इसका मैंने ये बॉन्ड तोड़ा और एक ये बॉन्ड तोड़ा, तो अब क्या ये खुल गया है? क्या ये क्लोज से ओपन हो गया? ठीक है, ये पूरा क्लोज था, अभी ओपन हो गया, तो मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड कितने तोड़े इसमें? ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बाय विच वी गेट ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो जितने मैं इसमें बॉन्ड तोड़ूंगा उतने ही इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी। तो मैंने कितने बॉन्ड तोड़े, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने टूटे? 2 टूटे, तो डीओयू इसका कितना हो जाएगा? डीओयू कितना हो जाएगा इसका? 2। और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा इसमें? 0। ठीक, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, कुछ सिमिलर सा। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है क्यूब ए। क्या है? क्यूब ए। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है, इसका नाम है क्यूबेन। ठीक है, क्यूब से क्यूबेन बोल दिया, तो इसका मैं बोलूं कि
इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए। तो कुछ लोग इसके फेस गिनने लग जाएंगे, जितने फेस उतने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि एक फेस एक रिंग के हिसाब से है, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। बेसिकली इसका जो पहला मेथड है, मेथड वन, उसमें हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, बॉन्ड ही ब्रेक करेंगे। तो पहले मैं गिनते रहिए मैं कितने नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें तोड़ूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक तोड़ा है ये, ठीक है, दो, तीन, ठीक। रुकिए, इसे दोबारा से बनाते हैं, पहले थोड़ा छोटा बन गया है, इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, बॉन्ड तोड़ूंगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें से मैं सबसे पहले तोड़ूंगा एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और पांच। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने टूटे, पांच टूटे, ये थोड़ा सा रब हो गया है, ऐसे मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ओपन हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, वो छोटा था उसमें दिख नहीं रहा था, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया है, तो ये ओपन चेन हो गया है। नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक कितने हुए, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक कितने हुए, फाइव। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU भी इसकी कितनी हो जाएगी, मेरी पांच हो जाएगी। तो ये तो था पहला मेथड। अब मैं दोबारा से क्यूब को बना देता हूँ, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी है करने का, जो कि क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन इसमें काउंट कर लीजिए। तो एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर 3 degree कार्बन, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर ऑफ कार्बन है 8। तो 8 के हिसाब से कितने हमारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 8 का डबल कर दो कितना आएगा, 16, और उसमें 2 और प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 18, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, H2N+2, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 2 8 16 + 2 विच इज 18, ठीक है। अगर हाइड्रोजन निकालने नहीं आते जल्दी से किसी भी, मान लो मैं तुम्हें दूँ, मैंने तुम्हें दिया 6 C60, अब इसमें हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, ठीक है, तो कोई बच्चे निकाल नहीं पाएंगे। बेसिकली करना क्या है, 60 का डबल करो 120 + 2 कर दो विच इज 122, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, C60 है तो 122 इसमें हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन के हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 8 इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन होने कितने चाहिए, H18। तो इसमें देखिए कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और सारी 3 degree है, तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि सब पे क्या आएगा, एक एक हाइड्रोजन ही आएगा, एक से ज्यादा तो आएगा नहीं। तो हमारे पास कितना है यहाँ पे, C8 है, तो H भी कितने हैं यहाँ पे, 8 है, और होने कितने चाहिए, 18।
कितने कार्बन हाइड्रोजन का फर्क है मेरे पास यहाँ पे, 10 हाइड्रोजन का, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा डेल्टा एनएच है वो कितना है, 10 है, और 2 हाइड्रोजन का लॉस्ट 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन करता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा DOU है वो कितना आ गया है, 5 आ गया है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझें तो हमें क्या करना है, रेफरेंस लीजिए पहले। तो रेफरेंस, रेफरेंस क्या है मेरी, एल्केन है, एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, CnH2n+2। उसके हिसाब से तो CnH2n बेसिकली यही फॉर्मूला है इस क्यूबेन का, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूँ तो मेरा कितना आएगा, C8 यानी 0, और इसमें से माइनस करूँ तो H10 आ जाएगा बेसिकली। तो H10 आ गया, जिसकी DOU कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, डेल्टा NH डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होता है मेरे, वो होता है मेरे DOU के इक्वल, ठीक है। मान लीजिए मेरा डेल्टा NH 10 है, तो मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे कितना था, 10 था, डिवाइड बाय 2 करा काट तो 5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे करके इन क्वेश्चन को डील करना है, नोट डाउन करें, नोट डाउन करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि IUPSC कर रहे हैं तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का क्या काम है। बच्चों ये आगे चल के आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का हमारे सिलेबस में क्या काम है, खासकर ऑर्गेनिक के सिलेबस में बच्चों, ठीक है। IUPSC की नेमिंग भी हम करेंगे बेसिकली, ठीक है, ये लास्ट ही लेक्चर या इसके बाद एक लेक्चर और बन सकता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पे। उसके बाद मैं आपको फंक्शन ग्रुप से इंट्रोडक्शन करा दूंगा, फिर हम अपनी नेमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये मत सोचिए कि कौन सा कंपाउंड मैं बना रहा हूँ या किस कंपाउंड का क्या नाम है, ठीक है। अभी आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप सिर्फ उतने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको बोर्ड में से कोई डाउट है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर अभी ना जाए, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को बेसिकली, तो आपके लिए बेहतर यही है कि इससे बाहर ना जाए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आ गया समझ में। और हाँ, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करूं तो वो क्या होगा, पाई बॉन्ड इसमें कितने होंगे मेरे, तो पाई बॉन्ड तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा, तो पाई बॉन्ड मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई बॉन्ड कितना हो गया, 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस मैं लिख के ले आया था क्योंकि ज्यादा मैटर रहता है, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपने बतानी है क्या है, ठीक है। पीएच का मतलब आपको पता ही है, फिनाइल होता है, ठीक है। इसकी आपको DOU बतानी है क्या है, ठीक है।
पहले इनकी आप ड्यू बताइए, ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला ही देखिए, पहला है क्यूबेन, ये बीच में क्यूबेन, ये फिनाइल, ये फिनाइल, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी निकालेंगे। एक फिनाइल ये रहा, एक फिनाइल ये रहा, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1:4 होती है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1:4 होती है, क्यूबेन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 होती है। फिर एक डबल बॉन्ड ये रहा, ये ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि इसमें दो आएंगे, फिर एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, तो अब इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 4, 4, 8 और 5, 13 और 1, 14, 14 और 2, 16 और 1, 17 और 1, 18, तो इसकी DOU तो आ गई 18, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे इसमें, तो ये हम दो रिंग को बस माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16, तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाएगा 16 और DOU आ जाएगी इसकी 18, ठीक। उसके बाद इस पे आ जाइए, तो इस पे सब बच्चों ने कितना लिखा होगा, सब बच्चों ने लिखा होगा 8, 4 इसके, 4 इसके, हो गया 8, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, बेसिकली अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो वो कुछ ये होता था, ठीक है। तो बच्चों ने सोचा 4 इसका है, क्योंकि इसे हम ऐसे भी बनाते हैं, तो ये इसका 4 और इसका 4, तो 4 + 4 = 8, जो कि गलत है, ठीक है। तो असल में ऐसा नहीं होता, होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है यहाँ पे, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए करना क्या है, पाई सिग्मा, ये मंत्र, मूल मंत्र याद कर लीजिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। कर लीजिए काउंट, कितने DOU आएगी इसकी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये दो, DOU कितनी आ गई 7, कितनी थी यहाँ पे 8, आ कितनी गई 7, है ना। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें 5, DOU कितनी है इसमें 7। उसी तरह से कई बच्चों ने इसमें 12 लिख दिया होगा इस लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसका भी अगर मैं आपको खोल के बनाऊं, कर दीजिए इसका भी, पाई सिग्मा पाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 रिंग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 10, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है। तो ये आंसर इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 7 और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएंगे 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 10 हो जाएगी और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी ऐसे पाई सिग्मा खेलना पड़ेगा। मान लीजिए ये तो छोटे क्वेश्चन थे, अब मान लीजिए मैं आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ इस टाइप के, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये, क्या इसमें भी पाई बॉन्ड खेलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, बेसिकली जैसे हम डबल बॉन्ड से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहे थे, है ना, वरना कॉन्सेप्ट क्या था, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। अब इसमें हम वही ट्रिक यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से लगाएंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन इसमें काउंट करो कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नंबर ऑफ कार्बन है 16, तो कितने होंगे इसमें एच, 16 + 16 = 32 और 2 = 34, ठीक है। तो बेसिकली 16 का हाफ कर दीजिए आप, हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं, ठीक है, लिख दिया मैंने लिखने को, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, सी है 16, इसे कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2, जेड बन गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8,
तो हम बोलेंगे कि 16 कार्बन के बीच में 8 डबल बॉन्ड आ सकते हैं। कितने डबल बॉन्ड आ सकते हैं? 8 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डी ओ यू आएगी क्या वो 8 आएगी? नहीं, 8 तो सिर्फ डबल बॉन्ड है। अब रिंग भी तो काउंट करेंगे, रिंग कितनी है? 1 2 3 4। तो इसकी डी ओ यू आएगी मेरी कितनी? 12। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की, तो वो कितनी आएगी इसमें? 8। ये तो हमने फाइंड कर ही दी क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड था। ये क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो कि 4 रिंग को मिला के आई है, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है, फिनिश रिंग का नाम है, ठीक है। इसका बताइए क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको इनकी बतानी है। ये पी आर है, पी एच नहीं है, ठीक है। पी आर है प्रोपाइल, ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है। कहीं बच्चे से फिनाइल समझ से गलत मत कर देना क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली कंफ्यूजन ही यही थी इसमें, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी। और आ ही जाएगा, उसे भी लिख लेते हैं। आगे समझ में ये आ जाएगा इसमें 1 2 3, और ये आ जाएगा ये, C, C, H आ जाएगा। इसकी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं कंपाउंड की, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। हो गया? हो गया, पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। तो पहले वाला देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नंबर ऑफ कार्बन है 14, 14 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 7 आ जाएगा। तो 7 तो डबल बॉन्ड आ गए। रिंग काउंट करेंगे 1 2 3, तो डी ओ यू आ गई इसकी
7 प्लस 3 विच इज 10, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें आता है मेरे कितने 7। आ गया समझ में? इस पे आ जाइए, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. तो नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 46, तो 46 डिवाइड बाय 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 23। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यार 23। रिंग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो कर दीजिए प्लस, तो कितना आ जाएगा इसमें 8 और 3, तो 38 इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, एंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड आर कितने हैं 23। आ गया समझ में? आ गया समझ में? इस क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, इस क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है? इजी है सारे क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? भले से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो, देखिए एक पीएच ये रहा, एक पीएच ये रहा है, कितने पीएच है, 4 पीएच है, सॉरी 2 पीएच है, एक पीएच की जो डीओयू है वो है 4, 2 पीएच है 4 × 2 कर देंगे, 4 × 2 कर देंगे, वो तो प्रोपाइल है, उसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 3 इसका हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड 1 साइकिल, तो 3 इसका हो जाएगा, है ना? आ गया समझ में? फिर 2 यहाँ, सॉरी ये तो इसी के साथ है, ठीक है, तो 2 ये और 1 ये, है ना? फिर ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और कोई रह गया क्या? और तो कोई नहीं रहा, ठीक है, तो 4 × 2 = 8, और 3 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 1 = 14, 14 और 3 = 15, 16, 17, तो इसकी DOU आ जाएगी 17, DOU आ जाएगी इसकी कितनी 17, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो वो कितना आएंगे 2, 2, 4 और 2, 6 और 3, 3, इसके डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, 3, 3 इसके डबल बॉन्ड हो गए फिनाइल के ना, तो 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे इसमें 12, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे इसमें 12, ठीक है, आगे समझ में? आगे चलिए, अच्छा लास्ट वाला तो रह गया, लास्ट वाला भी करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक फिनाइल ये हो गया, तो 4 ये हो गए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिनाइल हो गए, 6, 4 = 24 प्लस बीच वाले का 4 = 28, उसके बाद 2, 2 इसके हैं, तो 6, 2 = 12, तो 28 + 12 कर दो, क्योंकि सब में ट्रिपल बॉन्ड है 6 की जगह पे और एक में 2 बॉन्ड है, तो 28 + 12 6 × 12 होता है, कर दीजिए कितना आ जाएगा 40, 40, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डीओयू क्या हो जाएगी इसकी 40, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की मैं इसमें बात करूं तो 12, 12 और ये कितने हैं मेरे 1, 6 और 1, 7, 7, 3 = 21, तो 21 + 7 कर दीजिए 7, 3 = 21 और 12 ये हो जाएगा आपका 33, 33 इसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 40 हो जाएगी, ठीक है, नोट डाउन करिए, इसे भी नोट डाउन करिए, आ गया समझ में? और देखिए क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं,
लीजिए मेरे पास है ये, थोड़ी सी शेप आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी शेप इसकी गंदी सी बन गई है। ये है मेरे पास, ठीक है, और इधर पीएच लगा है, इधर भी पीएच लगा है, इधर पीएच लगा है, इधर पीएच लगा है, और नीचे भी पीएच के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड सी पी पीएच लगा है, और इधर भी सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ पीएच लगा है। इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। तो सबसे पहले बीच वाले का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन ही काउंट करने हैं कि ये नंबर ऑफ कार्बन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. इसमें कितने आ गए, 46 डिवाइडेड बाय 2 कर दो पहले, 23, तो ये आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ रिंग भी काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 इसमें प्लस कर दो, कितने आ जाएगा, 8 और ये 1, 38, तो ये बीच वाले का आ गया। अब इसमें फिनाइल काउंट करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिनाइल, और एक का कितना होता है, 4 + 6 = 24, इस 38 में 24 और प्लस करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62, सारे फिनाइल हो गए और ये रिंग हो गई। अब बचे ये, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लास्ट के साथ रह गए, ये दो फिनाइल रह गए लास्ट के, ठीक है, कोई नहीं, फिर से दोबारा होता है, 6 × 2 = 12 कर दो, सॉरी 4 × 2 = 8, क्योंकि एक ही है, एक ही फिनाइल, एक के 4 है तो 4 × 2 = 8, 68 में और 8 प्लस करोगे तो 70 आ जाएगा। उसके बाद दो डबल बॉन्ड इसके और दो डबल बॉन्ड उसके, दो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये आ जाएगा आपका 74। ये तो आ गया इसका DOU ऑफ द कंपाउंड is 74, कितना आ गया 74, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करूं मैं इसमें, तो मैं क्या करूंगा, बस 15 हटा दूंगा, तो 23 तो इसमें थे, किसमें, रिंग में थे डबल बॉन्ड, फिर इसमें फिनाइल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिनाइल है, और एक फिनाइल में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 8 × 3 जा कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 16, 8 × 3 = 24, 23 प्लस 24 कर दो कितना आ जाएगा, ये 47। उसके बाद दो डबल बॉन्ड इसके और दो डबल बॉन्ड उस ट्रिपल बॉन्ड के, तो कितने आ जाएंगे, 47 में 4 प्लस कर दो तो 51, इसमें क्या है मेरे, डबल बॉन्ड है, आ गया समझ में, 51 क्या है मेरे, इसमें डबल बॉन्ड है।
है ना, आ गया समझ में? इजी था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास, मेरे पास ये है कुछ इस तरह से, पीएच लगा है इधर, एमई लगा है मिथाइल, दिस इज मिथाइल प्रोफाइल, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी एगो, ये लो जी ये कर दिया, और थोड़ा सही बना दो कुछ इस तरह से है, और ये पीएच और ये भी पीएच, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 इसमें कार्बन है, तो 22 डिवाइड बाय 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें। ठीक है, मतलब ये तो सिर्फ डबल बॉन्ड का है, नंबर ऑफ रिंग भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 11 प्लस 6 कर देंगे कितना आ जाएगा इसमें हमारा, 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो ट्रिपल बॉन्ड ये है और एक रिंग है, तो दो इसका 2 इसका 2 और ये 1, इन्हें प्लस कर देंगे 5 आ जाएगा, 17 में 5 प्लस करना पड़ेगा हमें। उसके बाद फिनाइल कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 3 फिनाइल हैं। ठीक है, 3 एक फिनाइल का 4 DOU होता है। ठीक है, तो कर दीजिए 3 4 12 प्लस 12, उसके बाद एक रिंग ये और दो ये, तो 3 ये आ जाएगा, इसका 3 और प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 17 प्लस 20, ये 15 हो गया, और ये 5 इसमें मिला देंगे तो 15 प्लस 5 विच इज 20, 20 प्लस 17 कितना आ जाएगा 37, तो DOU इसका कितना आ जाएगा मेरा, DOU ऑफ दिस कंपाउंड इज 37, आ गया ना। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें, रिंग माइनस कर दें, कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 रिंग है, 37 माइनस 11 कर दो, 37 में से 11 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 6, और 226 इसमें डबल बॉन्ड है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो इस तरह से हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख सकते हैं, वैसे आप वैसे दो लास्ट क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े भी हैं, कराऊंगी आज से अगले लेक्चर में, या फिर हम उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस हैं थोड़े, पर मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो इसका मेरे ख्याल से इसके बाद एक लेक्चर और मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बन जाएगा, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पे अपने आ जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।